साथ साथ ये उनका प्याज उनका मेरा दरमियानी साइज के दो अदद प्याज थे, मैं फ्राई कर रही हूँ चिकन हांडी बनाने के लिए। आपको साथ साथ बताती जाती हूँ सारा कुछ। चिकन फ्राई किया था इसलिए वो नीचे जो सा था वो खोरा खोरा लग गया था, उसी में मैंने प्याज भी फ्राई कर लिया अपना, बहुत मज़ेदार बनेगी है। जौन सा अदरक था, टमाटर थे दो अदर, हरी मिर्चें थी, ये सारा पेस्ट मैंने पानी डाल के बना लिया इस मुगे के अंदर ही। अब इसको इस तरह इसी तरह ही मतलब डाल दूंगी। अगर आपको जल्दी हो तो आप भी ये सारा पेस्ट एकदम से बना के प्याज फ्राई करके इसमें डाल सकते हैं। अब ये जो उनसे पेस्ट है ये देखो मैं ये सारा अंदर ऐड करूंगी बीच में, ये देखिए ये सारा साफ हो गया। पानी था मैं अभी इसको अच्छे से मिक्स करूंगी। ये देखिए कितना प्यारा सा पेस्ट बन गया। अब मैं इसको अच्छे से पकाऊंगी। ये बिल्कुल देगी कोरमा जैसे बनता है ये वैसे ही बनेगा हमारा देगी कोरमा कोरमा। अब इसमें मैं ये कोरमा मसाला डालूंगी, आप किसी भी ब्रांड का यूज कर सकते हैं। ये सारा कोरमा मसाला डाल दिया अंदर हमारे, अब इसको हिलाते हैं। अब ये जो सा प्याज है सारा पेस्ट को फिर दोबारा अच्छी तरह ग्राइंड बना लिया इसको, ग्राइंड करके मैंने हल्दी पाउडर डालना। अब इसमें हल्दी पाउडर डाल दिया एक छोटा चम्मच और ये सूखा धनिया थोड़ा सा थोड़ा सा। एक किलो चिकन है ये हमारा और हमने मसाले में डाल देना। चलो अब हम इसको भूनते हैं। अब हम इसी तरह से इसको भूनेंगे फिर हम इसको स्टीम लगा देंगे। ये मेरी मम्मा कोरमा बना रही है, ये सेम देखो जैसा बनता है। अगर आपको रेसिपी चाहिए तो मेरी रेसिपी को ये वाली को जरूर देखिएगा क्योंकि ये सेम लाइक एज देगी कोरमा है। ये आप देख सकते हैं चिकन जो है वो मेरा अच्छे से भून गया, इसने ऑयल छोड़ना शुरू कर दिया। देखे बिल्ली को भी चिकन की खुशबू आ रही है, मारी देखो मेरा बनी बेबी भी देखे सेम आ गए। बनी बेबी चिकन चाहिए तुझको, चिकन चाहिए बनी को, चिकन चाहिए तो पूछ ला दो जल्दी से, पूछ ला दो जोर से, नहीं चाहिए जाओ। चिकन जो है वो मेरा भूनना स्टार्ट हो गया, थोड़ा सा और मजीद भून के मैं इसमें पानी डाल दूंगी। अब इसमें पानी मैं एक गिलास शामिल करूंगी, आपने जितना लगाना है क्योंकि स्टीम में भी पानी की जरूरत होती है। मैंने एक गिलास लगाया है एक किलो में, तो मैं इसको मिक्स करूंगी और इसको स्टीम लगा दूंगी जितनी देर तक ये गल नहीं जाता। दो से तीन मिनट के लिए इसको स्टीम लगा दिए प्रेशर कुकर में और ये जल्दी बन जाएगा। अगर आपका कोई मेहमान वगैरह आ रहा है घर में, आप झटपट बनाना चाहते हैं ये रेसिपी, तो आपके 15 मिनट में ये फौरन तैयार हो जाएगी। नमक जो सा था वो मैंने चिकन जो सा जब फ्राई किया था तब भी ऐड कर दिया था उस चिकन में, और फिर चिकन को ब्राउन करके मैंने निकाल लिया था, इसलिए अब मुझे नमक डालने की जरूरत नहीं पड़ी। जो वो मेरी बच चुकी है,
प्रेशर कुकर से स्टीम जो उनकी अब लग चुकी है, अब मैं इसको ओपन करूँगी और इस दिन का कोड मैं देखी वो हमारा तैयार है। अगर आपको जल्दी हो आपने कुकर जो है वो जल्दी खोलना, तो हम इस तरह ऊपर पानी डाल देंगे और उसका सारा धुआं ख़त्म हो जाएगा और हम इस तरह से जल्दी कुकर प्रेशर कुकर की जो है ना स्टीम वो खोल सकते हैं। अगर आपको इमरजेंसी है तो आप इस तरह से ऊपर पानी डाल दें प्रेशर कुकर के सीटी उतार के, तो आपका प्रेशर कुकर जो है वो जल्दी से ओपन हो जाएगा। मैं जल्दी से ओपन, अब ये देखें सालन जो है वो हमारा तैयार है। देगी कौरमा ये देखें, चिकन जो है वो भी हमारा गल चुका है। चिकन का तो वैसे भी थोड़ी स्टीम की ज़रूरत होती है, 2 से 3 मिनट। अब गरम मसाला जो है बाजारी वो हम डालेंगे, आप खुद घर में भी बना सकते हैं। और अब हम इस तरह छोड़ देंगे। चिकन कौरमा जो है वो हमारा तैयार है, आप देख सकते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को और आगे शेयर करें। एंड पे अब इसमें हम हरे धनिया की जो उनसे कटा हुआ है उसकी गार्निश कर देंगे। इसी के साथ सालन जो है वो हमारा तैयार हो गया है। एंड पे हम हरे धनिया की गार्निश कर दी है मैंने, सालन जो है वो मेरा तैयार हो गया। देगी कौरमा इज़ रेडी, देख सकते हैं कितना माशाल्लाह प्यारा बना। आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा।